अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह, बहुत अच्छी एक्टिविटी चल रही है आपकी माशाल्लाह से। लोगों के उसके सोशल वर्किंग के काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपके इस काम से। हम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते इस काम में। माशाल्लाह से आपका काम बहुत पसंद आता है। मैं आपकी सारी एक्टिविटी देख रहा हूँ। सर बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुंतखब किया हुआ है इस काम के लिए, अपनी मखलूक की खिदमत के लिए। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी मुस्तहक अफराद हैं उनकी दहलीज तक उनका हक पहुँचाए। जी जी बिल्कुल, मैं आपके सारे एक्टिविटी को बज़ाहिर देखता रहता भी हूँ, मुझे बहुत खुशी भी होती है। और शहरयार साहब, मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि मैं खुद भी पार्टिसिपेट करूँ, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ गरीबों की भी हेल्प हो जाएगी। और मेरे पास तो इस तरह का टाइम नहीं मिल पाता जो मैं सारे एक्टिविटी में रहूँ, तो मैं चाहता हूँ। आप पे ट्रस्ट भी है मुझे, आपका काम भी बहुत अच्छा है जो मुझे बहुत मुतासर करती है। आपकी सारी वीडियोज़ भी मैंने देखी है, तो मैं कुछ तावन करना चाह रहा हूँ कि 10 लाख की कुछ रकम है जो गरीबों तक पहुँचा दें। जी सर बिल्कुल, आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, ये आपका एहसान है। आपकी जो रकम होगी वो मेरे पास बिल्कुल अमानत है, और मैं उस अमानत को मुस्तहक लोगों तक सही तरीके से पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। बिल्कुल ठीक है शरिया साहब, अब मुझे इजाज़त दें। बाकी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आपको जो है ना, मैं अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूंगा आपके अकाउंट में। मेरी कुछ मीटिंग है तो मुझे वहाँ भी ज़रा जाना है। और इंशाल्लाह आप इसी तरह काम करते रहें और लोगों की हेल्प करते रहें। आपकी बहुत एक्टिविटी बहुत अच्छी चलेगी, और माशाल्लाह से हम भी इस पर तावन करते रहेंगे। जज़ाकअल्लाह। ठीक है, इजाज़त बहुत शुक्रिया। अरे यार अल्लाह का शुक्र है यार, नदीम साहब मुझे ये 10 लाख रुपए दे देंगे, मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? हाँ हाँ बेफिक्र हैं आप, बिल्कुल ये प्रोग्राम होगा, ऑर्गेनाइज करेंगे। और लास्ट टाइम जिस तरह लोगों की हम लोग ने इमदाद की थी वैसे ही मैं इमदाद करूँगा, मैं बिल्कुल बेफिक्र है। और आपसे एक शिकायत है, पिछली दफ़ा मैंने इतने पैसे खर्च किए, इतने तमाम चीज़ें लोगों को राशन दिया, लेकिन इसकी एडवर्टाइजिंग जो है ना भरपूर तरीके से नहीं हो सकी। आपने ना पिक्चर सही बनाई, ना वीडियो सही बनाया, ठीक है, और ना सोशल मीडिया पर ना प्रिंट मीडिया पर कोई बहुत अच्छे अंदाज में नहीं हुआ ना। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई तस्वीर और पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे अंदाज से हो, ताकि लोगों को पता तो चले कि मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं भाई, उस पैसों का कुछ सिला तो मिले। पैसे खर्च होते हैं भाई राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो कम से कम तस्वीरें और पिक्चर्स वीडियो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। हाँ मुझे कोई शिकायत ना मिले, ठीक है। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। सर मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे घर में 3 दिन से राशन ख़त्म हुआ हुआ है, तो मैंने सुना था कि आप गरीबों की मदद करते हैं, राशन बांटते हैं। हाँ मैं राशन देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे सकता, मेरे पास अभी कोई राशन बैग नहीं है। मेरी कुछ मदद करें, मुझे एक बैग राशन का दे दें। मैं जो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करता हूँ वहाँ पर आया करें आप। सर लेकिन मुझे अभी राशन की ज़रूरत है, मेरे घर में राशन ख़त्म हुआ हुआ है। क्या करूँ आपका प्रोग्राम कब होगा? लेकिन मैंने तो सुना कि आप राशन बांटते हैं लोगों को, लोगों की मदद करते हैं, तभी मैं आपके पास आया हूँ। जान भाई अभी आप जाएं। सर प्लीज़ सर मेरी कुछ मदद करें सर, कम से कम एक बैग मुझे दे दें, मुझे कुछ पैसे ही दे दें। नहीं अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुँह उठाएँ और आ गए, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम में आपको राशन दूंगा। सर मुझे लेकिन अभी ज़रूरत है, आपका प्रोग्राम कब होगा भाई? मेरे अरे यार बाइक की चाबी तो अंदर ही रख दी है। ऐसे नहीं दे सकता सर, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं भाई, सर मेरे घर में 3 दिन है। 3 दिन से राशन खत्म हुआ है सर। ठेका नहीं लिया सर, आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। मैंने ठेका नहीं लिया, आप जाएं भाई। आप लोगों की मदद की इस तरीके से मदद करते हैं कि आप 3 दिन के बाद आपके पास राशन वहाँ प्रोग्राम में बांटूंगा ना, तब मिलेगा, आप जाएं अभी। नहीं सर आप जी, दरअसल मैं मेरी चाबी रह गई थी तो मैं अपनी चाबी लेने के लिए आया, और इस चाबी ने दरअसल बहुत से हकीकतों से पर्दा उठा दिया है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी गरीबों की मदद अपने आप करूंगा, ताकि वो गरीबों का हक उन तक पहुंचे, मेरे पैसे कम से कम ज़ाया नहीं होंगे। सर आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं लोगों की मदद सही से करता हूँ सर, उन तक मुस्तहक लोगों तक उनका हक पहुँचाता हूँ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे पता चल गया आप किस तरीके से काम कर रहे हैं लोगों के लिए,
मुझे बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है जो मैं अपनी मदद आप कर सकता हूँ, तो लिहाजा मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके ओ शिट, ये क्या हो गया? तमाम ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के काम करती हैं कि वो दिखावा करती हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि दिखावा ना करें, लोगों की मदद करें। और इनके जो डोनर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करती हुई नज़र आए तो उसे आप अपनी रकम देने के बजाय लोगों की मदद खुद करें। शुक्रिया।